इस 15 अगस्त 2022 को भारतीय स्वाधीनता को 75 साल पूरे हो रहे हैं। आजादी के इस अमृत महोत्सव के पावन पर्व पर सरकार ने हर घर तिरंगा ये उपक्रम घोषित किया है। इस उपक्रम के अंतर्गत 13 अगस्त से 15 अगस्त तक देश के हर घर पर अपनी अस्मिता का प्रतीक हमारा तिरंगा हर घर लहराना है। पर इसे लहराते समय तिरंगे का कहीं अवमान न हो, ये बात जरूर ध्यान। 10 दिनों से ट्रांसफार्मर खराब, जल्द नहीं बना तो उपभोक्ता करेंगे आंदोलन। पिछले 10 दिनों से ट्रांसफार्मर खराब रहने के कारण सिल्ली रुगुड़ी टोला के उपभोक्ताओं ने एक बैठक कर स्थानीय विधायक एवं विभाग के अधिकारी को लिखित आवेदन देते हुए राजा टोला ट्रांसफार्मर को जल्द से जल्द बनवाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस बार यदि पहल नहीं हुआ तो आंदोलन को बाध्य होंगे। उपभोक्ताओं ने आरोप लगाया कि विद्युत कनीय अभियंता को कई बार सूचना दिए जाने के बाद भी पहल नहीं किया जा रहा है। कनीय अभियंता उच्च अधिकारियों के पास जाने की बात कहकर हमेशा टाल मटोल कर रहे हैं। ट्रांसफार्मर खराब हो जाने के कारण लगभग 1500 से अधिक घरों में अंधेरा छाया हुआ है, जिससे काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ट्रांसफार्मर खराब होने के कारण न तो बिजली समय पर आ रही है, न ही कोई कार्य हो रहे हैं। 10 दिन से बिजली की समस्या के चलते पानी की भारी किल्लत है, बच्चों को पढ़ने में कठिनाई हो रही है। बैठक में काफी संख्या में उपभोक्ता उपस्थित थे। सोना न्यूज एक रिपोर्ट। सिल्ली टोला से बोल रहे हैं कि राजा टोला का जो हम लोग का ट्रांसफार्मर है वो 15 दिन से खराब है। हम लोग एजुकेटिव इंजीनियर, SDO, JEE सबको खबर दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हम लोग आगे यहाँ 10 दिन से जो हम लोग का परिवार है, जो बच्चा है, पढ़ाई लिखाई में दिक्कत हो रहा है, पानी पड़ रहा है, बिजली के लिए इतना दिक्कत हो रहा है, सबके लिए इतना परेशानी है, तो इस सब का सुनवाई नहीं हो रहा है। इससे पहले भी ट्रांसफार्मर गया, उसमें भी 20 दिन या 21 दिन ट्रांसफार्मर रहा है, उसके बाद फिर वो जल गया। तो बार बार हम लोग का ट्रांसफार्मर जल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग तो बिजली बिल दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग परेशानी में हैं। और जब हम लोग के लिए स्पेशल रुगुड़ी टोला के लिए ट्रांसफार्मर अलॉट किया गया है, तो उससे हम लोग को कनेक्शन क्यों नहीं मिल रहा है? यहाँ का JEE और यहाँ का SDO क्यों नहीं इसको, मैंने इस लोकल फॉल्ट को क्यों नहीं क्लियर कर रहा है? क्यों लोकल यहाँ पर कोई मिस्त्री सुनवाई नहीं करता है, फोन करने पर आता नहीं। अगर कार्बन जम गया है तो बुलाने के लिए 100 रुपया लगता है, 200 रुपया लगता है, हर चीज में पैसा लगता है यहाँ पर। सब चीज के लिए थोड़ा मैंने हम लोग बहुत परेशान है यहाँ पर, जितना भी लोकल है बहुत, मैंने हम लोग के लिए छोटा छोटा चीज के लिए ऊपर फोन करना पड़ता है, हम लोग को भी खराब लगता है। यहाँ लोकल में कुछ सुनवाई नहीं होता है यहाँ पर। मेरा नाम हुआ देवाशीष दत्ता, हम सिल्ली का निवासी हूँ। खास करके हम लोग का राजा टोला का जो ट्रांसफार्मर है, हम लोग का पिछले 30 दिन में, आज 1 महीना हो गया, 1 महीना पहले लगा था, जिसको वो ट्रांसफार्मर को हमको लाने के लिए हम लोग को 13 दिन भुगतना पड़ा था। पूरा ग्रामीण परेशान है, साथ में हम लोग का वही ट्रांसफार्मर से बहुत सारे पेशेंट भी है, जो जिनका घर में छोटा बच्चा भी है, बहुत परेशानी हुआ। तो हम लोग क्या करें, सिल्ली रुगुड़ी टोला का ग्रामवासी एक ट्रांसफार्मर के लिए 1 महीना में खराब होगा, फिर 1 महीने में खराब होगा, तो हम लोग क्या, हम लोग कहीं काम करें कि ट्रांसफार्मर के पीछे लगे रहे? हम लोग पूरे ग्रामवासी मतलब क्या बोले, पूरा आक्रोशित हुए हैं। और खराब लगता है JVNL से कि किसी को भी, JEE बोलिए, SDO बोलिए, स्कूटी बोलिए, किसी को भी बड़े पदाधिकारी को लगाते हैं तो आश्वासन और मतलब बेतुका बात बोल के छोड़ देते हैं। मतलब उसका मतलब हम फोन करें तो उसका कुछ रिस्पांस नहीं मिलता है। और JEE साहब तो हमारे सिल्ली के, तो सिल्ली का नाम फोन नहीं उठाते हैं किसी ग्रामीण का। और JEE साहब कहाँ रहता है, क्या करता है, उसका तो कुछ हम लोग को पता ही नहीं है। और उनको हम लोग अभी तक नहीं, सिल्ली ग्रामवासी कोई नहीं देखा है, न उनका कोई परिचित है, न कोई उनको बोला है। और बिजली विभाग का और एक समस्या है, अभी जैसे बिजली खराब हो जाता है तो उसको यदि किसी मिस्त्री को बुलाते हैं तो हम लोग को बोलता है कि 100 रुपया चार्ज लगेगा। अब 100 रुपया चार्ज कोई हम दे सके, बाकी पीछे वाला ग्रामीण जो गरीब इंसान है वो नहीं देने सकेगा, उसके लिए क्या प्रावधान है? या सरकारी ऑन ड्यूटी में क्या पैसा लेना सही है या नहीं, ये जानकारी हम लोग को चाहिए।